नमस्कार मित्रों, इस वक्त आ रही है कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी का बड़ा आदेश, कॉलेज परीक्षाओं पर छात्रों को प्रमोट करने से जुड़ा। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले विथ प्रूफ के साथ में संपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में साथ में हम बात करेंगे भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के बारे में। तो चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मिलते रहे इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप ये पेपर देख लीजिए। पेपर कब का है? मंगलवार 12 मई 2020 का ये पेपर है और गोरखपुर का है और अमर उजाला का ये ई पेपर है और पेज नंबर 5 पर आपको ये अपडेट मिल जाएगी। देखिएगा, 6 जुलाई से परीक्षाएं, लॉकडाउन जारी रहा तो सभी छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। देखिए, जूम करके पूरी खबर देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रशासन ने लॉकडाउन को देखते हुए शैक्षणिक प्लान तैयार कर लिया है और इसमें दो विकल्प जो विश्वविद्यालय समिति द्वारा है यहाँ पे तैयार किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर लॉकडाउन हटा या विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति मिली तो परीक्षाएं 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया तो सभी विद्यार्थियों को अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय दोनों विकल्पों से शासन को अवगत करवाएगा और निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। और MMMUT की स्टीयरिंग कमेटी ने तय किया कि छात्र हित में अगले सत्र को नियमित करने और अंतिम वर्ष के छात्रों के करियर को देखते हुए दो विकल्प रखे जाए। पहले विकल्प के तहत विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को अलग अलग समय में बुलाकर कक्षाएं चलाई जाए और निर्धारित समय में परीक्षा करवाकर परिणाम घोषित कर दिया जाए। इस विकल्प में छात्रों को दो चरणों में यहाँ पे बुलाया गया है और कमेटी ने दो यहाँ पे बड़े फैसले लिए। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 50% अंक सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट करने से जुड़ी देखिए। मीडिया प्रभारी डॉक्टर अभिजीत मिश्र ने बताया कि स्टीयरिंग कमेटी ने छात्रों को प्रमोट प्रोन्नत करने का फार्मूला भी तैयार कर लिया। इसके तहत यानी मुताबिक परीक्षा फल तैयार करने के दौरान 50% अंकों का निर्धारण छात्र द्वारा वर्तमान सेमेस्टर किए गए प्रदर्शन के आधार पर होगा, जबकि शेष 50% अंकों का निर्धारण छात्र ठीक सेमेस्टर में अर्जित किए गए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के आधार पर किया जाएगा। और MMMUT में सभी विषयों की मिड सेमेस्ट्री परीक्षा पहले हो चुकी है और शिक्षक के दौरान किए गए जो असाइनमेंट के आधार पर छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, 50-50 का यहाँ पे जो UGC ने फार्मूला दिया था उसके आधार पर सभी को यहाँ पे पास किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है कि यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो सभी छात्रों को अभी प्रमोट किया जाएगा और अन्यथा 6 जुलाई से यहाँ पे परीक्षाएं कराई जाएगी। और दोस्तों देखिए साथियों, हर दिन अपडेट आ रही है कॉलेज परीक्षाओं जुड़ी की। आज इस यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया कि कॉलेज छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। आज इसने लिया है, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले जामिया ने लिया था और उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य ने ये फैसला लिया था कि हम छात्रों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट करेंगे, उसी हिसाब से देखिए इन दो हफ्तों में इसी प्रकार की अपडेट आती रहेगी। तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी अवश्य लिखे, ताकि उसकी भी न्यूज़ जो भी हमारे पास आए वो हम आप तक पहुंचा सके। और आपके मन में कोई भी अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें फटाक से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसका भी हम जवाब देंगे। और दोस्तों, कुछ जो यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अपनी एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया, लेकिन एग्जाम डेट घोषित करने का ये अर्थ नहीं हुआ कि वो एग्जाम करवाएंगे। उसका अर्थ यही है कहने का कि आप छात्र वो तैयारी करते रहिए और यदि स्थिति सामने हो जाती है बाई चांस तो आपकी एग्जाम है जो तिथियां उनकी निर्धारित की गई है उन तिथियों पर करवाई जाएगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे हर वो अपडेट दी जाएगी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आए, चाहे एग्जाम कराने से रिलेटेड आए या फिर प्रमोट से रिलेटेड आए। तो संपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मन में कोई भी क्वेश्चन है वो क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।